आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी से सवाल कोई क्यों नहीं कर रहा है कि जब वो यूक्रेन की यात्रा में गए थे तो वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खरी खरी सुना दी, कांग्रेस के शब्दों में उन्हें अपमानित किया। जी हां, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अगर आज की तारीख में भारत रूस के साथ अपना तेल का व्यापार बंद कर दे तो युद्ध अभी रुक जाएगा। उन्होंने भारत को खरी खरी सुनाई कि कहने को भारत एक बड़ा लोकतंत्र है मगर भारत अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। आज बड़े बड़े विदेशी मामलों के जानकार यह सवाल कर रहे हैं कि भारत अपने आप को ऐसी स्थिति में क्यों पा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खरी खरी सुनाई। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं, विदेशी मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी ने क्या बयान दिया है। ब्रह्मा चेलानी यहां पर यह कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त यूक्रेन नहीं जाना चाहिए था क्योंकि वहां कुर्स में अराजकता चल रही थी, युद्ध चल रही थी, और ऐसे मौके पर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खरी खरी सुनाई है। उन्होंने भारत की मध्यस्थता के किरदार को भी खारिज कर दिया है क्योंकि भारत ने अपनी तरफ से कहा था कि हम युद्ध में मध्यस्थता के किरदार निभाना चाहते हैं, मध्यस्थ बनना चाहते हैं। जेलेंस्की ने इसे खारिज कर दिया। यही नहीं, भारत की मध्यस्थता के रोल को खारिज करते हुए कहा कि आपका जो किरदार है संयुक्त राष्ट्र में इस पूरे युद्ध को लेकर और साथ ही रूस से तेल खरीदने को लेकर, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। यह बात खरी खरी सुनाई गई है और इस बात का जिक्र ब्रह्मा चेलानी कर रहे हैं। बड़ा सवाल, जब ब्रह्मा चेलानी यह बात कर रहे हैं तो हमारे मीडिया को यह सवाल क्यों नहीं करना चाहिए? मैं आपको बतलाना चाहता हूं मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल क्या कह रहा है। 20 सेकंड का यह क्लिप सुनिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आज से एक महीने पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए थे और व्लादिमीर पुतिन को गले लगाया था, तब उस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक युद्ध अपराधी को गले नहीं लगाना चाहिए था। आज ये न्यूज चैनल यह कह रहा है कि प्रधानमंत्री युद्ध रुकवाने वाले हैं, जबकि जेलेंस्की ने क्या क्या खरी खरी सुनाई वो कुछ देर बाद मैं आपको बताने वाला हूं। पहले सुनिए ये न्यूज चैनल किस तरह से अपने दर्शकों को झूठ बोल रहा है। आज देखिए, समय का चक्र देखिए, शायद आज जेलेंस्की को अपने उस बयान पर बहुत अफसोस हो रहा होगा कि उन्हें भारत को समझने में भूल की, क्योंकि आज जब मोदी कीव पहुंचे तो मोदी का हाथ जेलेंस्की के कंधे पर था, जेलेंस्की के कंधे पर था, और शायद यही विश्व नेता या ग्लोबल लीडर की पहचान होती है जिस भूमिका में आज पूरी दुनिया भारत और मोदी को देख रही है। सबसे बड़ा सवाल यही, यूएन को भी उम्मीद है, क्या वॉर रुकवाने में मदद करेंगे मोदी? और बात सिर्फ न्यूज 18 की नहीं है, जी न्यूज। जेलेंस्की ने मान ली मोदी की बात, रुक गया युद्ध, रूस समेत चौंकी पूरी दुनिया। सरासर झूठ। जेलेंस्की ने क्या कहा दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उल्टा यह कहा जा सकता है कि जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खरी खरी सुनाई। आपके सामने उनका बयान, इफ इंडिया चेंजेस इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स रशिया द वॉर विल एंड, जेलेंस्की। यहां पर जेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर भारत रूस को लेकर अपने रवैये को बदल देता है तो युद्ध आज रुक जाएगा। यहां पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जेलेंस्की ने कहा कि भारत एक बड़ा देश है और रूस की अर्थव्यवस्था पर उसका बड़ा प्रभाव है। उन्होंने कहा कि अगर भारत रूस के प्रति अपने रवैये को बदल दे तो युद्ध रुक जाएगा, क्योंकि खुद पुतिन इस युद्ध को नहीं रोकेंगे। भारत के दबाव के चलते युद्ध रुक सकता है मगर भारत ऐसा नहीं करेगा। यहां पर जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि भारत अब यह समझने लगा है कि यह एक संघर्ष नहीं है, यह एक युद्ध नहीं है, यह एक आदमी का युद्ध है और उसका नाम है पुतिन, और पुतिन ने यह युद्ध एक देश यानी यूक्रेन के खिलाफ छेड़ रखा है। आप एक बड़ा देश हैं, आपका काफी प्रभाव है, आप पुतिन को रोक सकते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकते हैं, उसे उसकी जगह दिखा सकते हैं, यह जेलेंस्की ने कहा। और सबसे बड़ी बात, भारत का जो प्रस्ताव था मध्यस्थता का, उसे उन्होंने खारिज कर दिया। मैं आपको तीन तस्वीरें दिखाना चाहता हूं दोस्तों। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन तस्वीरों को देखिए, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बस रोने वाले हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने वाले हैं।
मैं आपसे समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री यहां पर अपना इमोशनल चेहरा दिखा रहे हैं, मगर सबसे बड़ी बात, जो बात ज़ेलेंस्की खरी खरी सुना रहे हैं भारत को, उसके बारे में क्या कहना है? यह सवाल तो किया जाना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती कि पापा ने वॉर रुकवा दी। आपको याद है एक विज्ञापन भी आया था जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का काफी मजाक बना था कि पापा ने वॉर रुकवा दी। जी हाँ, फिर से देखिए वो विज्ञापन। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। सरासर झूठ। विदेश मंत्रालय ने कहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और विदेश मंत्रालय ने क्या कहा था कुछ देर बाद, और यह झूठ क्यों फैलाया गया उसकी भी चर्चा। मगर ऐसा नहीं कि देशों की दखल से कुछ होता नहीं है, मगर जिन जिन देशों ने दखल दिया है और उससे रूस और यूक्रेन के युद्ध पर असर पड़ा है, वो लोग ये नहीं कहते कि पापा ने वॉर रुकवा दी। मैं आपको गार्डियन की एक खबर दिखाना चाहता हूं, ब्रिटिश अखबार गार्डियन की एक खबर। यह खबर जानते हैं क्या कहता है? संयुक्त अरब अमीरात के दखल की वजह से रूस और यूक्रेन के बीच 115 कैदियों की अदला बदली हुई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने दखल दिया, यह अदला बदली हुई दो देशों के बीच जो जानी दुश्मन बने हुए हैं, जिनके बीच युद्ध चल रहा है, यानी संयुक्त अरब अमीरात का सिक्का वहां चल रहा है। यूएई में किसी ने कहा कि पापा ने वॉर रुकवा दी, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है? आपको याद होगा दोस्तों, राजनाथ सिंह से लेकर जेपी नड्डा ने झूठ कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर रुकवा दी। अब जिस तरह से संयुक्त अरब अमीरात की वजह से 115 कैदियों की अदला बदली हुई है, इस पर कांग्रेस ने तल्ख टिप्पणी की है। क्या कह रहे हैं पवन खेरा आपके स्क्रीन पर? साहेब यानी मोदी जी मणिपुर छोड़कर यूक्रेन रूस युद्ध में मध्यस्थता करने पहुंच गए, और वहां न केवल ज़ेलेंस्की ने हमें अपमानित किया, उल्टा रूस और यूक्रेन दोनों ने संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता स्वीकार की और 115 युद्ध बंदियों की रिहाई भी संभव हुई। आपको तू कौन मैं खामखा करना है तो कीजिए, भारत की साख से खिलवाड़ करने का आपको क्या हक है? यहां पर पवन खेरा जो सवाल उठा रहे हैं वो तो वाजिब है ना। मणिपुर में प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते, वहां पर लोगों को गले क्यों नहीं लगाते, और सबसे बड़ी बात, संयुक्त अरब अमीरात के दखल से वहां पर 115 युद्ध कैदियों की अदला बदली हुई, क्या वहां पर कहा गया कि पापा ने वॉर रुकवा दी? ये देश की साख के साथ खिलवाड़ है या नहीं? और सबसे बड़ी बात, जब विदेश मंत्रालय कह चुका है कि भारत ने युद्ध नहीं रुकवाया, तो फिर प्रधानमंत्री से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर जेपी नड्डा ये झूठ क्यों बोलते हैं? सुनिए विदेश मंत्रालय ने क्या कहा था इस बयान में। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर हम 10 या 12 दिन रुकवा सकते थे वॉर, या कुछ देर के लिए रुकवा सकते थे, तो फिर तो हम इस पूरे युद्ध को रुकवा देते ना। यह कहना सही नहीं होगा, ऐसा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं। That's the kind of conversation, but extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it'll extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. You also had some query on Axios. I saw that media story. It's a media story out of somewhere. It's got nothing to do with us, actually. It's some cable which is sent, some cable which is taken back. I haven't seen that cable. I don't know what to comment on it. It's an internal story, so I don't like to say anything on that. And सबसे बड़ी बात, इस झूठ को बार-बार दोहराया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध रुकवा दिया। आपके सामने राजनाथ सिंह का बयान, कहने को रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह ने कहा था प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों से रूस यूक्रेन युद्ध रुका और भारतीय छात्र भारत लौट सके। यही नहीं, जेपी नड्डा का बयान आपके स्क्रीन पर, यूक्रेन में 32,000 हमारे बच्चे फंस गए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुतिन को फोन किया, ज़ेलेंस्की को फोन किया और युद्ध को रुकवाया, यूक्रेन से बच्चों को निकालकर भारत वापस लाया गया। बार बार यह झूठ कहा जाता है दोस्तों, लगातार यह झूठ कहा जाता है। और अगर आप कहेंगे कि इस झूठ के पीछे की सोच क्या है, तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि चुनावों में स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध में सिर्फ एक पासपोर्ट काम कर रहा था और वो था भारतीय पासपोर्ट। इसे गलत बयानी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए दोस्तों? याद कीजिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था।
रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही थी, दुनिया के अनेक देशों के लोग वहां फंसे हुए थे, वो वहां से बाहर निकलना चाहते थे और वहां एक ही पासपोर्ट चलता था। दुनिया के किसी भी देश के नागरिक को वो बम गोले के बीच से निकलना हो यूक्रेन में से, तो एक ही पासपोर्ट चलता था और वो पासपोर्ट था मेरे देश का तिरंगा झंडा। अब आप समझे कि राजनाथ सिंह क्यों कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर रुकवा दी, या जेपी नड्डा ने क्यों कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर रुकवा दी, या वो विज्ञापन क्यों आया था कि पापा ने वॉर रुकवा दी। ये सवालात हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एक मजाक नहीं है, उसका मजाक मत बनाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको महिमा मंडन करना है तो कीजिए, मगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सहारे नहीं। सबसे बड़ी बात, जेलेंस्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खरी खरी सुनाते हैं, मगर आपका मीडिया, चाहे न्यूज 18 हो चाहे जी न्यूज, आपको झूठी खबर देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से वॉर रुक गई। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत संजीदगी से इस मामले में मध्यस्थता करे, जिसे जेलेंस्की खारिज कर चुके हैं, नए सिरे से करे, कुछ नए विचारों के साथ आए, तो हो सकता है कि भारत का असर पड़ जाए। और क्या पता कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल जाए, मगर उसके लिए गंभीरता से प्रयास करने की जरूरत है। सिर्फ यहां पर चुनाव जीतने के लिए इस तरह के शिगुफे जारी मत कीजिए, इस तरह के अनर्गल बयान जारी मत कीजिए, गंभीरता से प्रयास कीजिए, तभी कुछ होगा। अनर्गल बातें कहने से, हवा हवाई बातें करने से, मुंगेरी लाल के सपने देखने से या पतंग उड़ाने से कोई समाधान नहीं होने वाला है। मेरी बात कड़वी लगी होगी मगर सच्ची है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।